हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की डेट में हम बात करेंगे शेंगेन वीज़ा के बारे में। हमारे साथ हमारे क्लाइंट है जिन्हें इनका केस की हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पहले ये रिफ्यूज़ थे शेंगेन में, क्यों रिफ्यूज़ल आई थी, कैसे इनको रिफ्यूज़ल मिली थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या आया था और क्या सोल्यूशन निकला इस सारी स्टोरी का। एंड एट द एंड जो फ्रूटफुल पॉइंट है कि इनको वीज़ा है जो वो शेंगेन का सक्सेसफुली मिल गया। बहुत देर से ये ट्राई कर रहे थे, हमारे ये रेगुलर क्लाइंट बन गए हैं, हालांकि रेगुलर नहीं थे। तो ये कैसे आए पहले तो वो हम बात करेंगे। कंग्रेचुलेशन ब्रदर, थोड़े वीज़ा ली। मुझे तो पता है कि आप कैसे जानते हो हमको, थोड़ा आप बताओगे व्यूवर्स को कि आपने कैसे जाना, फर्स्ट टाइम आप कैसे आए इधर। मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे रेफ़र किए इस तरफ इधर, उन लोगों ने मुझे भेजा कि हम लोगों ने इधर से वीज़ा लिया, तो इधर मैं उनके रेफरेंस से आया। तो फिर मैंने चेक का अप्लाई किया था वीज़ा, लेकिन वो रिफ्यूज़ल हो गई थी। फिर आपके पास आए और आपने सजेस्ट किया कि पहले छोटा छोटा कंट्री विज़िट कर लें। फिर मैंने पहले तुर्की का लिया, वहाँ सिंगल एंट्री वो मुझे मिला, फिर विज़िट करके आया मैं। उसके बाद मैंने इजिप्ट का लगाया, इजिप्ट का लगाने के बाद में फिर मैंने तुर्की का मल्टीपल वीज़ा मुझे मिल गया। फिर उसके बाद में भी रिसेंटली लाइक लास्ट मंथ में मुझे ये शेंगेन वीज़ा जो है स्विट्ज़रलैंड का मिल गया। तो मैं मेरे सारे व्यूवर्स को पहले थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ, जब भी आप कभी भी शेंगेन से रिफ्यूज़ हो जाते हो, देखो फर्स्ट टाइम आप ट्राई करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ना ट्राई करो। बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ पे हमारे ऑफिस में ही खाली पासपोर्ट में वीज़ा मिल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द लक एंड कंडीशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं कि ट्रैवल हिस्ट्री के साथ में ही वीज़ा मिलेगा, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी शेंगेन का वीज़ा बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुली मिलता है हमारे इस ऑफिस में। मेरे इसी चैनल के ऊपर आप कितनी वीडियो देख सकते हो जो मैंने डाली हुई है कि शेंगेन वीज़ा ऑन फ्रेश पासपोर्ट। इवन शेंगेन छोड़ दो, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट में मिला है। लाइव एग्जांपल आप इसी चैनल में स्क्रॉल करके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको, एक दो नहीं मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। बट आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आप सिंगल टाइम एक टाइम रिफ्यूज़ हो चुके हो शेंगेन से, चाहे वो शेंगेन में कोई भी कंट्री है, तो डायरेक्टली आप अगेन एंड अगेन अप्लाई ना करो विदाउट मेकिंग ट्रैवल हिस्ट्री। बिकॉज जब शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ करता है 99% केसेस में, अगर आपकी फाइल सही तरीके से बनाई हुई है तो 99% केसेस में सिर्फ 10 नंबर और 13 नंबर या 2 नंबर का ही पॉइंट आता है। ये तीन जो पॉइंट हैं रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल है, ये तीनों बेसिक है, ये होते हैं ग्राउंड ऑफ डाउट के ऊपर कि एम्बेसी को ये डाउट है आप जाओगे जाके वापस नहीं आओगे। तो इसका मेन सोल्यूशन क्या है, इसका मेन सोल्यूशन है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक रियल टूरिस्ट है जो वो शो करना पड़ेगा। जैसे इनके केस में ये चेक रिपब्लिक से अर्लियर रिफ्यूज़ थे। कब रिफ्यूज़ल आया था? रिफ्यूज़ल मेरा सितंबर में आया था, सेप्टेम्बर 2022 है ना, लास्ट ईयर में। तो 22 सितंबर को ये चेक से रिफ्यूज़ थे जब ये आए। उसके बाद में मैंने सजेस्ट किया कि भाई आप पहले ट्रैवल करो, अगेन एंड अगेन अप्लाई ना करो। बिकॉज आप देखो, आपके पासपोर्ट और आपकी फ़ाइल अगर सेम है, आपकी प्रोफाइल में कोई डिफरेंस आया नहीं है तो रिजल्ट में भी डिफरेंस नहीं आएगा, और सिंपल लॉजिक है। अगर आपने पहले अप्लाई किया है सेम स्टेटस के ऊपर, सेम पासपोर्ट के ऊपर, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, वही आपकी जॉब है, वही आपकी सैलरी है, यानी कि आपकी प्रोफाइल कुछ चेंजेस आया नहीं है आप में, तो रिजल्ट में भी कैसे चेंजेस आएगा, लॉजिक की बात है। तो आपकी प्रोफाइल को चेंज करने के लिए, बाकी तो जॉब तो चेंज नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में इंक्रीमेंट होने में टाइम लगता है। तो सबसे ईजी आप चेंज कर सकते हो अपना ट्रैवल हिस्ट्री, और ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट पे ही आपको ये शेंगेन का वीज़ा जो मिल जाता है। बिकॉज 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर जो पॉइंट है उसको रिमूव करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री ही काम करती है। तो इनको जो पहले हमने वीज़ा लगा के दिया था वो था तुर्की का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सारे वीज़ा इन्होंने यहीं से लिए हैं तुर्की का। ये फर्स्ट टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, दिस इज़ अ 3 मंथ वीज़ा, मल्टी एंट्री नहीं होता, सिंगल एंट्री होता है 3 मंथ का। तो तुर्की के साथ इन्होंने ये इजिप्ट का वीज़ा लिया, वो भी यहीं से लिया। इजिप्ट का वीज़ा, तुर्की का वीज़ा, ये ट्रैवल करके हैं। एंड अगेन इनका लास्ट टाइम अपने जो रिसेंट वीज़ा अप्लाई किया था वो तुर्की का ही 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। जब आप एक बार तुर्की में ट्रैवल कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जो मिल जाता है, बहुत आसानी से मिलता है। तुर्की वीज़ा इतना ज़्यादा रिफ्यूज़ नहीं करता और 1 साल का वीज़ा मिलता है। अभी इस वीज़े का बेनिफिट क्या है, आप इस वीज़े को कनेक्ट करके किसी भी कंट्री का वीज़ा डाल सकते हो। हम ये भी बोल सकते हैं कि हम दुबई से तुर्की जाएंगे, तुर्की से शेंगेन जाएंगे, शेंगेन से वापस आएंगे। तो ये भी बोल सकते हैं दुबई से आप तुर्की जाओगे, फिर कनाडा जाओगे, फिर वापस आओगे, या तुर्की से आप यूके जाओगे, फिर वापस आओगे। यानी कि हम कनेक्शन बना बना के ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कनेक्शन का जो है रिज़ल्ट वो मिलता है हमको सक्सेस के साथ में, बिकॉज एम्बेसी आपको एज ए रियल टूरिस्ट कंसिडर करने लग जाती है। अगर आपका एक दो कंट्री का ट्रैवल है और आपके पास में कोई वैलिड अच्छी कंट्री का वीज़ा है मल्टीपल एंट्री का, तो चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल जाता है, जैसे इनके केस में सक्सेस स्टोरी के साथ में। और विद में फैक्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए।
तो आपकी टोटल खर्चा क्या हुआ सर जी, आप ये भी बता सकते हैं? मेरा शंजीन का 840 दिरहम का टोटल फीस है जो मैंने आप लोग को इधर पे की है, जो फाइल प्रिपेयर करने के लिए, उसमें वो आपने टिकट लगाई है, इंश्योरेंस है, उसके पास अपॉइंटमेंट है VFS से, वो दो तीन चीज़ें आपने प्रोवाइड की अपनी तरफ से, और उसके साथ मैंने जो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो कंपनी का NOC चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और दैट्स इट। तो मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो शेंगेन में एम्प्लॉई प्रोफाइल में हो तो आपका पासपोर्ट चाहिए, नेशनलिटी कोई भी हो सकता है, UAE के अंदर आप रेजिडेंट हैं तो, या गल्फ कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर है, कोई भी नेशनलिटी एक्सेप्टेबल है, इसमें नेशनलिटी को कोई बैन नहीं है, जैसे बंगाली, नेपाली, पाकिस्तानी, इंडियन, सभी बंदे अप्लाई कर सकते हैं, इवन अफ्रीकन नेशनलिटीज़ आर आल्सो वेलकम टू अप्लाई दिस वीज़ा। तो इसके लिए आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा चाहिए, वीज़ा आपका 4 महीने से ज़्यादा चाहिए, UAE या गल्फ GCC कंट्री का, उसकी वैलिडिटी 4 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, NOC लेटर चाहिए आपकी कंपनी से, कंपनी के लेटर पैड स्टैम्प के ऊपर स्टैम्प एंड साइन किया हुआ, और आपकी बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 महीने की, मैक्सिमम इज़ द 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट है जो आपकी चाहिए, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस उसमें 12 से 15 हज़ार चाहिए आपके अकाउंट में जो क्लोजिंग लास्ट में रहना चाहिए, और वैक्सीन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट आपकी फ़ोटोज़, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट है। इसके बिना बहुत सारे डॉक्यूमेंट एडिशनल होते हैं, डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, या आप सिंगल हो, फैमिली वाले हो, यहाँ पे हो या होम कंट्री में, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, हमारा ऑफिस टाइमिंग है 11 till 9 वी आर वर्किंग, कभी भी मेरे को पर्सनली मिलना है किसी ने तो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, बिकॉज समटाइम मैं नहीं अवेलेबल हूँ यहाँ पे, बट हमारे स्टाफ यहाँ पे यूजली रहते हैं, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आप कभी भी आ सकते हो, उनसे भी क्वारी कर सकते हो, मेरे से करना है तो आप कॉल करके टाइम लेके ज़रूर आ जाओ। इसके बिना टाइम शेंगेन में आजकल बहुत लग रहा है, तो अगर आपका प्लान है शेंगेन अप्लाई करने का, 2 से 3 महीने का वेटिंग टाइम है, अच्छी कंट्री का जिसमें वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा है, तो 2 से 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट्स। अगर आपके पास में अर्ली अपॉइंटमेंट है या आप खुद अपॉइंटमेंट आपने स्लॉट बुक करके रखा है तो भी हम आपको फाइल बना के देंगे। हमारे चार्जेस जैसे भाई ने बताया था कि 840 दिरहम है, तो 840 में अपॉइंटमेंट फ़ीस भी हम पे करते हैं, अगर आपके पास में सेल्फ अपॉइंटमेंट है तो हम आपकी उस फीस को माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस आपसे लेंगे। इसके अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, होटल, रिटर्न टिकट्स, कवर लेटर, डे टू डे प्लान जिसको आइटनरी भी बोलते हैं, और हमारी फ़ीस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जब आपकी फ़ाइल रेडी हो जाती है 15 से 20 दिन लगेंगे एम्बेसी में उसको प्रोसेसिंग के अंदर। आपके केस में कितने टाइम में रिजल्ट आ गया? मैंने 19 मई को दिया था और 27 को मुझे कॉल आई थी कि मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन, तो लाइक 10 डेज विद इन 10 डेज आपको रिसीव हो गया। तो मैक्सिमम टाइम इज 15 to 20 डेज एवरेज टाइम, जैसे भाई ने बताया 10-12-15 दिन, एक हफ्ता ये होता है। इसके अंदर 99% 9 लोगों का रिजल्ट है जो आ ही जाता है। फैमिली के साथ में ये वीज़ा और भी आसान है, अगर आप फैमिली मेंबर्स हो तो हम भी आपको डिस्काउंट देते हैं, आप अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चों के साथ में ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सिंगल के लिए 840 है, फैमिली के लिए 600 एंड बैट यानी कि 630, जिसके अंदर ये सारी सर्विसेज जो हमने बताया है वो हम आपको फिर से बना के देंगे, सारी कंप्लीट फाइल बना के देंगे। एम्बेसी फीस होती है 80 यूरो, ये आपको VFS में ही जाके देना है। यहाँ से कंप्लीट फाइल आप उठाओगे वाफी मॉल में, दुबई में या अबूधाबी में, क्रिस्टल प्लाजा में VFS ग्लोबल है, वहाँ पे जाके आप जमा करते हो, तो पासपोर्ट आपको बाय कोरियर मिल जाता है या फिजिकल आपको वहाँ पे जाके लेके आना है। इंटरव्यू कोई नहीं है इस पूरे प्रोसीजर में, एम्बेसी शेंगेन स्पेशली कोई भी इंटरव्यू किसी से कंडक्ट नहीं करती है। तो ये थी लेटेस्ट शेंगेन की सक्सेस स्टोरी आफ्टर रिफ्यूज़ल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है मैक्सिमम शेयर करोगे तो मे बी किसी नीडफुल पर्सन के पास में चली जाएगी। अगर आप भी हमारे यहाँ पे ऑफिस में आना चाहते हो, नॉट ओनली फॉर शेंगेन, वी आर आल्सो डीलिंग फॉर UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्री के वीज़े हैं जो हम करते हैं। इसके बिना बहुत सारी अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन कंट्री के, एशियन कंट्री के भी वीज़े हैं जो हम करते हैं। तो हमारे ऑफिस में पर्सनली या टेलीफोनिकली आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।